श्री चौबे भाई, हमारे साथ उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर जेके थुंगडो, साथ में हमारे जितने भी ऑफिसर गण जो रिटायर्ड हम यहाँ अभी हैं, हमारे खलाटंग एरिया से और ऊपर एरिया से जो जेड पी एम पंचायत मेंबर्स जो यहाँ विराजमान हैं, हमारे रूपा के लीडरगण, कलकत्ता के लीडरगण और यहाँ के यूथ, शेरगांव का यूथ, रूपा के यूथ, जेगांव का यूथ, मुझे अरुणाचल में मेमे के नाम से जाना, क्या वो नोरबू के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता में मेमे के नाम से और रूपा में तो आसू के नाम से जाना जाता है। मैं आसू और मेमे की तरफ से आप सबको मेरा नमस्कार। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, हम बार बार दोहराता है, ये इलेक्शन का इतिहास 5 साल में हमको यहाँ दोहराने फिर आए हैं। ये एक हमारे संविधान में रखा हुआ है, ये इतिहास हमको इसलिए दोहराता है कि हम किस समाज के हैं, हमारे सिस्टम क्या है, हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, उसको याद दिलाने के आए हैं। हमारे संविधान में, हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे अपना गवर्नमेंट बनाने का जो पावर है वो हमारे हाथ में दिया हुआ है, आप लोगों का हाथ। तो आज समय आ गया है, जैसे वैसे ये मीटिंग थोड़ा जल्दी में हो गया, लेकिन समय आ गया है हम अपना विधायक किसको चुने, कैसा विधायक होना चाहिए वो तय करना, अभी समय आ गया है। देखिए, हमारे एक उम्र आता है, आप सबका भी उम्र आएगा, हमको अपना उस उम्र का पहचानना जरूरी है, अपना उम्र का उम्र को लेके हमारा उस उम्र में, इस उम्र में हमारा परिवार को, परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हम क्या काम का है, ऐसा समय आता है कि दुख के समय अपना आंसू छुपा के मन को संभालना पड़ता है, सुख के समय में भी अपना आंसू के धारे से अपना खुशी जाहिर करना पड़ता है। तो इसी जो दौरान जो है हमारे, हमारा भी वही उम्र आ गया है, इसलिए मैंने 2019 को कहा था मैं दोहराना नहीं चाहता, पास को मैं हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग आदमी हूँ, फिर भी मैं सही कहा, मैंने बहुत डिक्लेयर किया बहुत बार कि मैं नहीं उठूँगा, मैंने अपना लीडरों को बुलाया, कलकत्ता से तो कोई नहीं था, अभी मैं नहीं, मैं थोड़ा विराम करना चाहता हूँ, आप लोग कोई उठिए, कोई भी नहीं खड़ा हुआ, बाद में आप लोगों ने ही, कलकत्ता लोगों ने आपको, हमारा शेड ने फिर हमको उठने के लिए मजबूर किया। मैं आपके जो मेरा चाहने वाले आपके पास उनको मैंने उठा, सफलता नहीं हुआ, मुझे दुख है कि आप लोगों को मैंने ऐसा दुख दिया कि 4 साल हो गए आज आप दुख को छलते रहा। इससे चलते इस इलेक्शन के बाद में हमने 19 इलेक्शन के बाद में हमने
सन्यासी ले लिया। हमारा राजेंद्र जी से हमने सन्यासी लिया। इसके चलते क्या हुआ, मेरे जितना भी शुभचिंतक थे, मेरा जितना भी सपोर्टर थे, कोई चुम्बे भाई के साथ गया ज्वाइन किया, कोई दुर्जमान जी के साथ गया, कोई कट्टर मुझे चाहने वाले रहा। तो जो अभी मेरा मुझे चाहने वाले जहाँ जितना भी हैं, जहाँ जो उपस्थित हैं, उसमें आपके पुराने चुम्बे जी आपका पुराने भी हैं और हमारे भी हैं। लेकिन कहा जाए तो जितने भी आज यहाँ आप विराजमान विराजमान हैं, कहीं ना कहीं कभी न कभी एक दो को छोड़ के सब मुझे, यदि फर्स्ट टाइम में कोई किसी ने नहीं दिया वोट, सेकंड टाइम को दिया, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम को नहीं दिया वोट, थर्ड टाइम को तो जो मैं सक्सेस नहीं हुआ, थर्ड टर्म को भी वोट दिया। तो मैं तो अपना आप तो गर्व महसूस होता हूँ और मैं फख्र से कहता हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुझे 5 प्लस 1 कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 99% तो आप लोगों ने मेरा वोट दिया है, मुझे कोई भी छूटा नहीं है। 5% 1% छूट सकता है, एक भाग्यशाली मानता हूँ और समझता हूँ। जो मेरा सपोर्टर हो या नॉन सपोर्टर हो, मेरे लिए उनके दिल में, आप लोगों का दिल में अभी भी मेरे लिए जगह बना रखा हुआ है। समय आ गया है अभी इलेक्शन का। मुझे पूछते हैं कि हम क्या करें, किसके साथ दें। आप जिसके साथ देने को कहेंगे हम उसमें जाएंगे। आप जाएंगे कि नहीं, ये मीटिंग में भी सुबह भी मुझे पूछा आप जा रहे हैं कि नहीं, आप जाने से हम भी आएंगे आपके साथ। मुझे तो आपका प्यार देख के, आप लोगों का प्यार देख के दिल भर आता है, आंखें नरम पड़ जाता है कि आप मुझे अभी भी अपना दिल में रखा है। मैं आप सब क्या प्यार पाने वाला नरबू, आप सबको जिन्होंने मुझे एक इंसान से बढ़ के इतना ऊंचा स्थान आपका दिल में रखा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे परिवार की तरफ से, मैं अपने तरफ से, जितने भी हमारे नोटबुक का टीम यहां आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाया, जैसे आप लोगों ने बोला कोई मजबूरन है, पर्सनल नहीं, यू नो व्हाट आई मीन, कोई मजबूरन है तो उनका इस वक्त में जो मजबूरन है, शायद कल परसों मजबूरन आता भी जाएगा। और मैं आपको एक आश्वासन दिला सकता हूँ कि ये लोग भी हमारा साथ ही रहेंगे। मैं लास्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ा, हाँ कलाकतंग से जीत नहीं पाया, लेकिन शेडुगंज एरिया से 500 प्लस मैं यहाँ से लीड किया शेडुगंज। मैं आज वो 500 प्लस जो मेरा वोटर्स हैं, मैं आपको सौंपना हूँ। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स से सन्यासी लिए मैं बैठा था,
तो हमारे लीडर्स शेरगांव, रूपा, जेगांव, तुंगड़े, कदुकसो सब ने मुझे ये कहा कि अभी इलेक्शन सामने आ पड़ी है, हमें आपका एक मार्गदर्शन चाहिए। हमें भी एक खुलासा, एक मैदान चाहिए जिसमें हम भी पॉलिटिक्स में अच्छा एक्टिव रोल प्ले कर सकें। तो मैंने सबको बुलाया, कलापतांग एरिया से भी बुलाया, रूपा एरिया से भी बुलाया, यहाँ का सबका अपना राय लिया, डिस्कस किया और मैंने पाया कि सब के सब, आप छुम्बे जी भाई आपके फेवर में ही कहा, आपका फेवर में ही बोला। तो ये हिंदी में कहते हैं ना कि मियाँ बीबी जो राजी है तो काजी करे क्या। तो इसलिए मैं हमारे अपना मेरा सपोर्टर्स को लेके आज यहाँ उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे टीम, आपके टीम और जो भी फ्यूचर में जो भी टीम आएंगे उसका तालमेल रख के आप आगे एक साल लेके चलेंगे और आपका विजेता को प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपका छोटी मोटी जो है चीज़ हो सकता है जो बाहर से भी भूत डाल सकते हैं, जो अपना बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, मेरा एक ही विनती है कि ये छोटी मोटी बात को छोड़ के आप उससे ऊपर उभर के हमारे जो लक्ष्य है उसको पूरा करने का भी उम्मीदवार के बारे में आपका ध्यान आना चाहूँगा। इस बार सब ने कहा हमारे सिर्फ दो ही उम्मीदवार हैं, एक है चुम्बे भाई और एक है दुर्जवांगी ऑनरेबल एमएलए सिटी। मेरे जितना भी सपोर्टर्स हैं, आप अपने चुम्बे को, चुम्बे भाई को सपोर्ट दिया है, दुर्जवांगी को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं उसको सपोर्ट मिला, मैं उसके बारे में किसी को बड़ाई करना, किसी को लमचन लगाना मेरा चित्रित के काम चित्रित में नहीं है। हमारे जितना भी सपोर्टर्स मेरे थे पहले, आप लोग ने मेरे ये ग्रुप चुम्बे भाई को साथ देने का निर्णय लिया, इसलिए मैं उनके साथ चुम्बे भाई आपके साथ देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सब चुनकर विधानसभा में प्रवेश करते हैं, वो विधायक सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं रह जाता, वो बन जाता है स्टेट का लॉ मेकर, कंट्री का लॉ मेकर, वो बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टर। ऐसा शख्स को हमको चुन के भेजना है जो हमारा अपना इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरेस्ट रख के हमारा स्टेट का भलाई, हमारे देश का भलाई का काम करें, ऐसा हम शख्स को चुन के भेजना हो। मुझे खुशी है कि हमारे मेरा जितना भी सपोर्टर्स हैं सबने ये गुण चुम्बे भाई को भाई में देखा है और चुम्बे भाई को ये योग्यता
समझता है और उसका काबिलियत समझता है, तो इसलिए सबने मिल के यह तय किया कि चुंबे को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वोट हमारा बहुत ही कीमती है। इसलिए जब भी कैंडिडेट आप लोगों के पास आता है तो बोलते हैं आपका बहुमूल्य वोट देके हमें जयजुक्त कीजिए, ऐसा कहते हैं। एक एक वोट आपका पैसे में काउंट नहीं कर सकते, पैसे में तुलना नहीं कर सकते। इसको आप दांव में मर लगाइए। जैसे मैंने कहा किस कैसे हम लोग कैंडिडेट को चुनना है, दिल से और अपना एरिया का इंटरेस्ट लेके उसको वोट डालना होगा। आपका खाने में मत जाइए, पीने में मत जाइए, आपका वोट जो है बहुत कीमती है। स्टेट को आगे ले जाने का साधन जो है हमारा हाथ में है और उसको किस प्रकार से आपका वो वोट को इस्तेमाल करके आगे किस प्रकार से आप हमारे स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाएगा वो आपके हाथ में है। और ये भाग दौड़ को संभालने के लिए आप योग्यता जो मैंने कहा चुंबे भाई को आपने देखा है, उसको काबिलियत समझा है, तो आप सब हमारे जितना भी मेरा सपोर्टर्स हैं बहुत सा आपका आप आगे ज्वाइन हो चुका है और जो भी रह चुका है तो आपके साथ में आज यहाँ आपके साथ ज्वाइन हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके इससे आपको बहुत लाभदायक होगा। चुंबे भाई जो लोग आपके साथ दे रहे हैं उनका भी थोड़ा बहुत तो उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है। आजकल अपनी कड़ी मेहनत से खेती करके हमारा आर्थिक व्यवस्था जो है सुधर गया है, लेकिन ऐसा भी है जो लोग जो अपना बीमार होते हैं तो उसको ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाता, अपना बच्चों को एजुकेशन पूरा नहीं कर पाता, ऐसा लोग हैं। ऐसा लोगों को मैं समझता हूँ छोटे मोटे डेवलपमेंट पैसे के बारे में नहीं करता हूँ, हार्ड कैश के बारे में मैं नहीं करता हूँ, आप मदद कर सकते हैं कोई बात, लेकिन छोटे मोटे डेवलपमेंट का जो हमारे एरिया का डेवलपमेंट पे आए उसका भी फायदा हो, ऐसा स्कीम बनाए, ऐसा स्कीम दें, हो सके तो जॉब छोटा मोटा जॉब उसको दें ताकि वो एक आत्मनिर्भर बन जाए अपने जीवन में। ऐसा फैमिली लोगों को हमें देखना बहुत जरूरी है।